वैसे तो इमरान खान के बकौल सुकून सिर्फ कबर में है, बट आई वुड सजेस्ट टू ट्राई ब्रिस्बेन एज वेल। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया टूर डे 8। आज ब्रिस्बेन में हमारा सेकेंड डे है। ब्रिस्बेन में हमारा कोई ऑफिशियल टास्क नहीं है, सो वी डिसाइडेड टू डू सम शॉपिंग एंड टेक एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिस्बेन्स नाइट लाइफ। आज वीकेंड भी है और सूत्रों के अनुसार आज ब्रिस्बेन में बॉलीवुड नाइट है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा टेरेस व्यू। वैसे तो इमरान खान के बकौल सुकून सिर्फ कब्र में है, बट आई वुड सजेस्ट टू ट्राई ब्रिस्बेन एज वेल। नाश्ता करने के बाद हमने बाजवा साहब का इंतजार किया और हमारे जूनियर बाजवा साहब राशिद भी पर्थ से ब्रिस्बेन आ चुके हैं। बाजवा साहब के इंतजार में हमने कल हो ना हो मूवी देखी। वैसे बॉलीवुड को चाहिए कि सॉन्ग्स की तरह मूवीज का भी रीमिक्स वर्जन लॉन्च करें, एटलीस्ट कोई स्टोरी तो होगी। अब तो शाहरुख खान भी मूवी के नाम पर कार्टून ही बना रहा है। खैर, हमने अपने आज के सफर का आगाज किया और सबसे पहले हमने ब्रेक लगाई क्रिस्पी क्रीम पे। बाजवा साहब कहते हैं कि इनसे अच्छे डोनट बनाने वाले को $500 इनाम दिया जाएगा। बात वैसे ठीक ही है, इनके डोनट्स बहुत मजे के थे। वी हैड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डोनट्स। माय फेवरेट वाज ओरिजिनल ग्लेज्ड, सादा, सस्ता और म्यारी। डोनट इतने मजे का था कि डोनट खाते ही हम चल पड़े शॉपिंग के लिए और हमने लगाई ब्रेक DFO, स्टैंड फॉर डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ पे आपको अच्छे, सस्ते और म्यारी कपड़े कम दाम में मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर फेमस ब्रांड का फैक्ट्री आउटलेट मौजूद है, नाइकी, स्केचर्स, एडिडास एंड मैनी मोर। कुल मिला के 2000 शूज देखने के बाद नासर को लकड़ मंडी से सॉरी टिम्बरलैंड से शूज पसंद आ ही गया। मैं 1 लाख रुपए दे ले आया हुणी हुणी। मेरे फोन आया तो उन्हां दी मेनू आवाज नहीं आ रही। शॉपिंग करने के बाद हमने प्लान किया ब्रिस्बेन की नाइट लाइफ देखने का। बाकी बड़े शहरों की तरह ब्रिस्बेन की नाइट लाइफ भी बहुत मजे की है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस सेलिब्रेशंस जुलाई में भी होती हैं। रीजन इज कोल्ड वेदर। और आज यहाँ पे बॉलीवुड नाइट भी मनाई जा रही है। यहाँ बैठ के हमने रेडबुल के साथ बॉलीवुड नाइट एंजॉय की और बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात की। ये थी आज की वीडियो। आपसे कल होगी मुलाकात गोल्ड कोस्ट में।